हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं रवाना हो रही हूँ, अभी मेरी ट्रेन जल्दी ही है। फटाफट मैं रास्ते के लिए अपना बना रही हूँ क्या ले जाना है। अपने ले जाने के लिए यहाँ पे टमाटर अभी छौंक दिया है, खट्टी मीठी चटनी के साथ में पूरी बना लिया मैंने। अभी मैं इसमें पेपर रैप लगा दिया है, इसी में चल रही हूँ, पैक कर लूँगी, इसी में पैक कर लेती हूँ मैं। अभी दो चार लोग खा पी लेंगे। एक टिफिन में करके ऐसे चटनी रख दूंगी, हो जाएगा। इसके अलावा बना लिया है मैंने, ये हो जाए तो फिर चटनी रखूं। इसके अलावा मैंने बना दिया है कॉर्न पुलाव। बहुत बढ़िया कॉर्न पुलाव बना है, तो बस इसको भी पैक कर लूँगी, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। ठंडा हो जाए फिर इसको भी पैक कर लूँगी। ये मेरी यात्रा के लिए हो गए, दोनों बच्चों के खाने के लिए। बस अब मैं तैयारी कर लेती हूँ, बस एक घंटा बाकी हमें निकलने में। तो हम लोग निकल गए हैं, बस ये देखिए। अरे नहीं, तुम्हें बताना चाहिए मेन गेट पे आओ। तो वो ओला किया है, ओला आ गया है, उधर मेन गेट पे बुलाया है। बस हम लोग निकल रहे हैं, धूप खूब तेज है। चलो अब चल के स्टेशन तक, स्टेशन से पे आप लोगों का रास्ता दिखाते हुए चलती हूँ स्टेशन का पूरा। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन रुकती है, लेकिन यही है कि 20 मिनट्स लेट है, 20 मिनट अभी लेट है हमारी ट्रेन, क्योंकि हमारे से पहले जो निकलनी थी मथुरा एक्सप्रेस वो निकल चुकी है, इसके बाद मेरी ट्रेन आएगी। तो तब तक हम लोगों को वेट करना होगा। बहुत बहुत बेचारे सभी लोग यहाँ पर जितने हैं, गर्मी से एकदम परेशान है, पंखा ऐसा चल रहा है और गर्म हवा दे रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं, मेरे ब्लॉग में स्वागत है आपका। इतने में अगर 20 मिनट भी ट्रेन लेट होती है तो सबकी बड़ी परेशानी वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोगों का अभी देखो बिबू जो है बाहर अपना देख रहे हैं, गुड्डा ऊपर लेटी हुई जो है अपना फोन कुछ पढ़ रही हैं, कुछ देख रही हैं। अब तो फ्री हैं, कुछ गाने, हम तो कहे गाने सुनो, थोड़ा रिलैक्स हो, इसके बाद में हेलो अपना लग गई हैं, ये अपना बाहर देख रहे हैं, और मैं भी मम्मी अगर मोदी बस बैठी हूँ अभी मम्मी बाहर देख रही हूँ। अब अंधेरा धीरे धीरे होने वाला है, 7 बजने वाले हैं, तब सो जाऊंगी। सूरज डूबते ही कुछ रिकॉर्ड तो होगा नहीं, सुबह आप लोगों से मिलूंगी सीधा प्रयागराज में। हम लोग प्रयागराज स्टेशन अभी आ गए हैं, इधर देखिए बस आप लेने आ गए हैं, अभी बस चल रहे हैं, अब कार तक चलते हैं। गाड़ी रुकी है तो बड़ी भीड़ है, मेरे कपड़े फंस रहे हैं सीढ़ियों में चढ़ते हुए, इसलिए Yeah.
दूसरी तरफ चले गए थे। गाय की पिक्चर देख बीच में रखेंगी। एक एक बॉटल ले ले बस, बहुत हो गया। चल यहाँ पे हम लोगों के स्ट्रगल गुजरा है, पढ़ाई लिखाई, यही रोड, यही पढ़ते थे, याद करेंगे सुबह शाम, अमर राउड़ा तुम्हें प्रणाम। 5 साल रहे इस शहर में, तुम्हारी मम्मी तो और ज्यादा नहीं, हमसे भी ज्यादा। सिविल लाइन्स हनुमान जी, ये मंदिर है। गंगा के पानी कम हो गया, अब काफी कम हो गया है। ट्रेन वाला जो पुल है ना, वो नया बन रहा है, वो शायद कमजोर हो गया होगा। यही रास्ता टाटा स्काई को जाल बना के उसको रखा गया है। ये चोरी भी होती होगी और शायद बंदर भी आके तोड़ देते होंगे, वो इतना बड़ा जाल बनाया हुआ है। हम लोग पहुंच गए सुजानगंज। खून में मेरी मिट्टी, लेकिन मिट्टी नहीं है खून। ये मम्मी इसलिए देख रही है, बलवर बलवर नानी कह जाती थी ना, तो इसे यहां का माहौल देख रही होगी। बचपन से ऐसे ही देख रही हूँ, ये सब, ये जो भी घूमती है सब यही।
ऐसे हम अंदर जाते हैं। तो भैया रोड के गेट ना 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 म्यूजिक भी आ गया एंट्री का। ये हॉस्पिटल कैंपस एम्बुलेंस दिखेगी। हम आ गए, हम आ गए, आ गए, पहुंच गए। हम किधर आ गए? हम पुरानी कर लीजिए ताजा, पुरानी यादें ताजा। नया रबड़ी अंकल खाया हो ना? रबड़ी बहुत लंबी है। अब कहे कि नहीं, अब तो ढाल पाना छोड़ रहे, ढाल ढाल पाना। मैं ढूंढ ले जाऊँ क्या है? अभी जा के